What's up guys, this is Ayaaz Kicxter, welcome back to another video. Guys, आज का जो हमारा tutorial है वो बहुत ज़्यादा helpful tutorial होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अभी flip start कर रहे हैं, flip सीख रहे हैं and उनके हाथों में दर्द हो रहा है. Like guys, बहुत सी ऐसी flips होती है like back handspring हो गई, front handspring हो गई, जिसमें आप लोगों को flips में अपने हाथों पे अपनी पूरी body का weight देना होता है. तो उस टाइम आपके हाथों में काफ़ी दर्द होता है. तो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के हाथ मजबूत नहीं होते हैं. तो गाइज़ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है कि आप लोग अपने हैंड्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओ. तो मैं आप लोगों को आज के ट्यूटोरियल में पांच ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और अगर एक बिगिनर करेगा तो उसके हाथों में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी. सो गाइज़ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स लर्न द फाइव बेसिक एक्सरसाइजेज टू मेक योर हैंड्स स्ट्रॉन्ग. सो गाइज आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ट्यूटोरियल. गाइज अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं इस ट्यूटोरियल में क्या क्या बताने वाला हूं आप लोगों को. बेसिकली मैं आप लोगों को पांच ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के हैंड्स में पावर लाएंगी. अब बेसिकली एक्सरसाइज कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड आप लोग आसानी से एक्सरसाइजेज जो है कर लोगे. बट ये है कि इसको रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों के हैंड्स में पावर आएगी. एंड ड्यूरिंग योर फ्लिप्स जिसमें आप लोगों के हाथ लगते हैं लाइक बैक हैंड स्प्रिंग हो गए, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम बैक हैंड स्प्रिंग मारी थी तो मेरा हाथ इतना पावरफुल नहीं था तो मेरे भी बहुत दर्द हुआ था. तो या तो इस टाइप की फ्लिपों में ये जो एक्सरसाइजेज हैं आप लोगों को बहुत मदद करेंगी. तो अब सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज सबसे सिंपल है वो है हैंड स्टैंड. अब गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हैंड स्टैंड प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को हैंड स्टैंड आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है. एंड जो लोगों को आता है अच्छी बात है, नहीं आता है आप लोग वॉल के सहारे कर सकते हो. बट ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करिए, मतलब आप लोग वॉल से जैसे हैंड स्टैंड करते हो तो वो वॉल से हैंड स्टैंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ही होल्ड करो. उससे क्या होगा, आपके हाथों पर आपकी पूरी बॉडी का वेट आएगा एंड उससे ये भी होगा कि आप लोगों के हाथों में काफ़ी अपनी पूरी बॉडी का वेट आने के थ्रू उसमें आपके हाथ जो है उसमें पावर जो है आपके हाथों की वो इंक्रीज़ होगी. तो हैंड स्टैंड एक बहुत ही बेसिक और अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हैंड स्टैंड अपने हाथों में पावर लाने के लिए. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप हैंड स्टैंड करो. गाइज हैंड स्टैंड की भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिसमें आप लोग हैंड स्टैंड करो और वो वेरिएशंस की प्रैक्टिस करो जिससे आपके हाथों में पावर है. तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हैंड स्टैंड करेंगे जिसमें हम लोग हैंड स्टैंड में बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेंगे, हम लोग हैंड स्टैंड में हाथ उठाते रहेंगे, मतलब टैप टैप करके चलते रहेंगे, मतलब एक ही जगह पे हाथों पे चलते रहेंगे. तो वो कुछ इस तरह लगेगा. तो गाइज ये तो मैंने हैंड स्टैंड की आप लोगों को एक बेसिक वेरिएशन बता दी जिसमें आप लोग सिर्फ टैप टैप कर रहे हो. इसकी और भी वेरिएशन है जिसमें एक शोल्डर टैप वेरिएशन होती है जिसमें आप लोग अपने शोल्डर पे टैप कर सकते हो, अलग अलग शोल्डर भी टैप कर सकते हो एंड अपने सेम वाले शोल्डर भी टैप कर सकते हो. तो ऐसी कई वेरिएशन हैं, ये आप लोग वॉल के सहारे भी कर सकते हो एंड नॉर्मल अगर आपका हैंड स्टैंड अच्छा है तो आप लोग नॉर्मल ज़मीन पे भी कर सकते हो. तो ये हो गई हमारी सबसे पहली और सबसे ज़्यादा बेसिक हाथों में पावर लाने की वेरिएशन. सो गाइज अब बात करते हैं हम लोग हमारी दूसरी वेरिएशन के ऊपर, यानी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर बेसिक. सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर. अब गाइज जो दूसरी एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो है बेसिकली फ्रॉग स्टैंड. अब फ्रॉग स्टैंड के बारे में मैंने अपने हैंड स्टैंड के ट्यूटोरियल में बताया था क्योंकि एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज होती है, बेसिक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को अपना पूरी बॉडी का वेट जो है हाथों पे रखना होता है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपके हाथों में पावर लाने के लिए. तो फ्रॉग स्टैंड है कुछ इस तरह से दिखता है. एंड ये गाइस बहुत अच्छा इजी हाथों में पावर लाने वाली एक्सरसाइज है, तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए. सो गाइज अब बात करते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर. अब तीसरी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को ग्रास पे नहीं दिखा सकता इसलिए मैं एक सीट पे बता रहा हूँ. अब बेसिकली तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है हमारा एल सीट. गाइज एल सीट होता है बहुत अच्छा, ये होल्ड है आप लोगों के पैरों में, हाथों में और कोर में पावर लाने के लिए. अब ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. अब वैसे ज़्यादातर लोगों को जिसमें नहीं आता है तो ये बहुत बेसिक सिंपल है. आप इसका इसको सीखने का भी तरीका एक सिंपल है कि आप लोग अपने दीवार मतलब पैरों के सामने एक जैसे आपके सामने एक वॉल होनी चाहिए तो आप लोग अपने पैर उसके ऊपर रख के अपनी बॉडी को यहाँ से लिफ्ट कर सकते हो. एंड अगर आप लोगों का एल सेट अच्छा है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हो कुछ इस तरह से. अब ये गाइस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपके हाथ और पैर और कोर तीनों जगह पे प्रेशर आता है. तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हाथों में पावर लाने के लिए एज वेल एज आपका कोर और पैर.
सो गाइज अब चलते हैं हम लोग अपनी चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। गाइज ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी एडवांस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके लिए आप लोगों को पिछली जो मैंने तीन एक्सरसाइजेस बताई वो तीन एक्सरसाइज आप लोग इजीली कर सकते हो। एल सिट हो गया, फ्रॉग स्टैंड हो गया एंड हैंड स्टैंड हो गया। अब बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है टक प्लैंच। अब टक प्लैंच जो होता है वो बेसिकली मैं ये भी आप लोगों को घास पे प्रॉपरली नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं आप लोगों को इसी सीट पे दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग फ्रॉग स्टैंड में अपने पैरों को अपने हाथ पे रख लेते हैं, तो इसमें हम लोगों को अपने पैरों को हाथ पे नहीं रखते हुए पैरों को अंदर फोल्ड रखना है। लाइक हमारे पैर कुछ इस तरह से हैं एंड यहीं से हम लोग अपनी बॉडी को एयर में लिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरह। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज की। अब बेसिकली ये जो लास्ट एक्सरसाइज है थोड़ी सी ये भी एडवांस है, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है एंड ये दो मूव का कॉम्बिनेशन है, यानी दो एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है। अब हमारा इसमें पहली एक्सरसाइज है फ्रॉग स्टैंड एंड दूसरी है हैंड स्टैंड। तो यानी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को बेसिकली अपना सिंपल फ्रॉग स्टैंड बनाना है एंड वहाँ से कोशिश करनी है कि हम लोग वहाँ से अपना हैंड स्टैंड लिफ्ट कर दें ऊपर की तरफ। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, तो आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपके हैंड स्टैंड की एज वेल एज़ आप लोगों के फ्रॉग स्टैंड की। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपसे नहीं होता है देन आप लोग जो पिछली मैंने चार एक्सरसाइज बताई उनको भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोगों के हाथों में अच्छी खासी पावर आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड। सो गाइज ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, पांच ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज, ऑल्दो ये सारी बेसिक नहीं थी, कुछ थोड़ी सी एडवांस कह सकते हैं एंड ये ऐसी एक्सरसाइजेज थी जो आप लोगों के हाथों में पावर ला सकती हैं। गाइज अब बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हम लोगों के हाथों में दर्द होता है हम लोग जब फ्लिप्स करते हैं, तो ये ट्यूटोरियल जो है उसी बेसिस पे मैंने बनाया। एंड इससे पहले मैं एक लेग्स एक्सरसाइज के भी ऊपर बना चुका हूं वीडियो, जिसमें आप लोग अपने लेग्स की पावर इंक्रीज कर सकते हो, तो वो ट्यूटोरियल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन मेक श्योर टू चेक दैट आउट। और अगर आपको गाइज आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड लक गाइस, गुड लक विद ट्रेनिंग, गुड लक विद एक्सरसाइजेस, पीस आउट।